हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सी ये एक शेल स्क्रिप्ट लिखी थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि आप कमेंट कैसे कर सकते हो। कमेंट मतलब क्या? सिंपल सा आपकी शेल स्क्रिप्ट है, उसके अंदर आपको कुछ लाइन लिखनी है। लाइक सपोज आपने ये चार लाइन आपके क्या काम कर रही है, आपको ये कहीं डॉक्यूमेंट करके लिखना है या फिर कुछ भी लिख के रखना है। लाइक सपोज मुझे लिखना है ओनर, इस शेल स्क्रिप्ट का ओनर कौन है, मेरे को उसकी डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद में पर्पस, ये शेल स्क्रिप्ट क्या करेगी, प्रिंट सम इको कमांड्स, राइट? तो ये करेगी। बट अब होगा क्या कि जब भी मैं इस शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दोनों कमांड रन होगी। लाइक मैं आपको बताता हूं करके, डॉट स्लैश इको डॉट एस एच। तो आप देखिए इसने इन दोनों कमांड्स को भी रन करने का ट्राई किया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इन दोनों के आगे अगर मैं हैश लगा देता हूं, ठीक है, तो अब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और आप आपके शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे के सारे रख सकते हो। अभी आप देखिए, तो हुआ क्या, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, जो भी लाइन हैश से स्टार्ट हो रही है वो रन नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो शेल स्क्रिप्ट, राइट? ये एक और अलग से कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगी। करके दिखा देता हूँ, राइट? तो आप देख सकते हो सेम वही आउटपुट है। उसके अलावा सपोज आपने एक कमांड लिखी इको दिस इज गौरव शर्मा, राइट? मैंने इसको सेव कर दिया तो आप देख सकते हो दिस इज गौरव शर्मा, ये लाइन प्रिंट हो गई। अब मैं इस लाइन का क्या यूज है, मैं उसको कमेंट करके उसके आगे भी लिख सकता हूँ, इन लाइन कमेंट, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ वन मोर कमेंट, ठीक है। एंड अगर मैं मैसेज हियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश टैग, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना ये कमांड यहीं पे खत्म हो गई है और उसके बाद में यहाँ पे आपने हैश लगाया है और यहाँ पे आपने क्या किया, इस हैश को आपने इन डबल इनवाइटेड कोमा के बीच में लगाया है, तो ये प्रिंट होंगे। और इसके आगे अगर मैं कुछ लिखता हूँ एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ठीक है, तो सिंपल सा अपन ने केवल इको कमांड यूज किया अभी तक शेल स्क्रिप्ट के अंदर। तो आप देखिए ये लाइन प्रिंट नहीं हुई है और ये इको, राइट? तो ये इको ऐसा नहीं है कि ये वाला, ये लाइन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, कि ये यहां से लेके यहां तक प्रिंट करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसको इस कमांड के अंदर जैसे ही हैश और हैश के बाद में स्पेस दिखा तो इसको समझ में आ गया कि अब इसके आगे का जो भी है वो पूरा एक कमेंट है, उसको मुझे रन नहीं करना। तो आप देखिए यहाँ पे दिस इज गौरव शर्मा, केवल इतना प्रिंट हुआ है, ओके, एंड यहाँ पे ये पूरा प्रिंट हुआ है, उसके बाद में ये जो लाइन थी ये प्रिंट नहीं हुई है, ये वाली, ठीक है। एंड यहाँ पे चीज देखिए, ये वाला हैश ये प्रिंट हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला ये दोनों प्रिंट हुए हैं, बट ये लाइन इसके आगे का नहीं हुआ, राइट? सिंपल सा क्या है, कमेंट बोले तो ये आपके स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसी लाइंस जो एग्जीक्यूट ना हो, राइट, या फिर वो कमांड रन ना हो जब आप उसको लिख देते हैं। तो जैसे अब इसका यूज क्या है, आप जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्क्रिप्ट को कौन इसका ओनर है, ये स्क्रिप्ट क्या करती है, लास्ट टाइम पे ये कब अपडेट हुई है, फर्स्ट टाइम पे ये क्रिएट कब हुई है, राइट? तो ये सारी जो चीजें ये अपन लोग मेंटेन करके रख सकते हैं, तो अपने को पता रहेगा कि ये शेयर स्क्रिप्ट का ओनर कौन है, पर्पस क्या है, राइट? इसके अलावा शेयर स्क्रिप्ट में जब अपन फंक्शन लिखेंगे तो अपन किस फंक्शन का क्या यूज है, इसका भी अपन उसको डॉक्यूमेंट करके रख सकते हैं ऊपर, राइट? तो इन सब चीजों पर अपन कमेंट्स यूज कर सकते हैं। चलो अब वापस अपन इको कमांड के साइड आते हैं। मैंने आपको ये तीन करके बता दिया, मोस्ट प्रोबेबली यही आपके यूज आते हैं तीन कलर, तो आप इनको याद कर सकते हैं, 31, 32 एंड 33 है। एंड ASCII कैरेक्टर्स अपन ने यहाँ पे यूज किए हैं लाइक कि भाई अपन कलरफुल टेक्स्ट देने के लिए, ओके। चलिए अब मैं इको कमांड पे वापस आता हूँ। या शेल स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास सपोज एक ऐसी लाइन है जो मल्टीपल लाइन से वो आपको प्रिंट करवानी है, तो सपोज आप कैसे प्रिंट कराओगे, इको मैं हर एक वर्ड के बाद में स्पेस दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, डॉट स्लैश इको डॉट एस एच। तो आप देखिए ये सारे के सारे अलग अलग लाइन में आए हैं। तो आपको ऐसे अगर कभी कोई मल्टी लाइन स्ट्रिंग देनी हो, राइट, कई लोग इसका यूज कैसे करते हैं, कई लोग इस चीज का यूज करते हैं ऐसे, इको स्क्रिप्ट स्टार्टिंग, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी के सारी लाइंस मैं पहले कमेंट कर देता हूँ एंड उसके बाद में मैंने ये सारा लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, डॉट स्लैश इको डॉट एस एच।
तो आप देखिए, आपको ये यहाँ पे ऐसा मिलेगा। अब आप इसको कलरफुल कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, राइट, कि कलरफुल कैसे करते हैं। तो इस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं इको को। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज और जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, इको, ठीक है, वापस मैं लिखूंगा माय नेम इज गौरव, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, हर लाइन के बाद में मैं एक बैक स्लैश ऐड कर देता हूं। ये बैक स्लैश क्या करता है, बैक स्लैश सिंपली ये बताता है कि भाई अभी तक ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, जो इसके नीचे वाली लाइन है वो भी इसी लाइन का पार्ट है, और ये वाला ये भी यही बता रहा है कि ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, नीचे वाली लाइन इसका पार्ट है। तो अब देखो, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा, डॉट स्लैश इको डॉट एस एच। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक लाइन में आ गया, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि ये केवल इको कमांड में यूज किया जाता है, कई बार आप इसको अलग अलग जगह पे भी यूज कर सकते हैं। लाइक सपोज आपको दो तीन पैकेज इंस्टॉल करने हैं, राइट, सपोज apt get install nginx, nginx आपको इंस्टॉल करना है सपोज, उसके बाद में आपको इंस्टॉल करना है tomcat 9, ओके, एंड एंड MySQL सर्वर, राइट। तो इसको यहाँ पे आप वापस एक दे दीजिए। तो अब क्या होगा, ये कमांड पूरी की पूरी कैसे बन गई, नीचे वाली कमांड भी इसका पार्ट है, और ये पूरा का पूरे ये तीनों बाइनरीज आपके मशीन में इंस्टॉल कर देगी। तो ऐसे आप इस चीज को कई जगह पे आपने देखा होगा, तो जहां पे भी आप बैक स्लैश देखें एक शेल स्क्रिप्ट के अंदर, तो सिंपली ये मान के चलिए कि जो नीचे वाली जो लाइन है वो भी उसी का पार्ट है। अब एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे डबल इन्वाइटेड कोमा की जगह मैं यूज कर रहा हूँ सिंगल इन्वाइटेड कोमा, ठीक है। एंड अभी मैं वापस चलाता हूँ इको डॉट एस एच। देखा आपने, जब भी आप सिंगल इनवर्टेड कोमा यूज करेंगे तो सिंगल इनवर्टेड कोमा क्या करता है, आपको इस चीज को बोला जाता है str quotes, राइट। मतलब क्या, इसके अंदर जो भी आएगा ना वो ऐसे कैसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो अपन स्ट्रॉन्ग कोट्स तो यूज करने वाले हैं, मतलब करेंगे ज्यादा, बट अभी के केस में मेरे को जो आपको दिखाना है वो स्ट्रॉन्ग कोट्स नहीं दिखाना है, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा जहां भी यूज आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो स्ट्रॉन्ग कोट्स है। उसके बाद में आपको सपोज टैब्स लाइक आपको यहाँ पे करना है हाइफन ई। अब देखो दिस इज गौरव, ठीक है, एंड मैं बैक स्लैश टी अब यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, कुछ और नेम लिख देता हूँ, सौरव बैक स्लैश टी टेस्ट नेम, ठीक है। अब देखो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो क्या होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो क्या होगा, डॉट स्लैश इको डॉट एस एच। तो आप देखिए यहाँ पे गौरव एंड सौरव के बीच में देखिए बैक स्लैश थी, सिंपली क्या करता है एक टैब रिटर्न करता है, तो ये इन दोनों के बीच में टैब आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एक टैब है, तो ऐसे आप टैब दे सकते हो। ये जो टैब अपन ने दिया है ये टैब कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल टैब है, ये आप वर्टिकल टैब भी दे सकते हो अगर आपको देना हो तो। तो अब देंगे कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वर्टिकल टैब के लिए क्या करना है आपको, सिंपली हाइफन वी कंट्रोल एस, एंड मैं वापस चलाता हूँ इको डॉट एस एच स्क्रीन क्लियर करके, एंड आप देखिए ये दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल टैब्स आए हैं यहाँ पे। इस बार आपको कोई न्यू लाइन देना हो तो न्यू लाइन का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, बट आप चाहो तो ऐसे भी न्यू लाइन दे सकते हो बैक स्लैश एन एंड बैक स्लैश एन। तो अब क्या होगा, तो ये देखिए राइट, तो न्यू लाइन के अंदर चले गया, इसके नीचे का जो है पूरा एक नई लाइन में चले गया, इसके इधर का वापस कोई दूसरी नई लाइन में चला गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो लाइक प्रिंट का तो बहुत कुछ हो गया, मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया, एक बार रिव्यू करवा देता हूँ, राइट। एक सिंपल सा प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, लाइक यहाँ पे अपन ने एक सिंपल सा इको स्टेटमेंट लिखा है जो क्या कर रहा है, ये दिस इज गौरव शर्मा प्रिंट करवाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा वो स्पेस प्रिजर्व करके नहीं रखेगा। तो अगर आपको स्पेस प्रिजर्व करवाने हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिंगल इन्वाइटेड कोमा एंड डबल इन्वाइटेड कोमा का यूज भी बताया, एक स्ट्रॉन्ग कोट्स के लिए रहता है, ठीक है। आपको कोई भी मैसेज अगर रेड कलर में प्रिंट करवाना हो, ग्रीन में करवाना हो, या फिर येलो में प्रिंट करवाना हो, तो आप कैसे करवा सकते हैं, मैंने आपको ये बताया। उसके बाद में आप एक मल्टीपल लाइन कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया है कि बैक स्लैश क्या होता है, राइट। इन शॉर्ट लाइक कि भाई अभी आपकी कमांड खत्म नहीं हुई है, नीचे वाली जो कमांड है वो मैंने आपको बैक स्लैश के बारे में बताया है। सिंपली क्या कि जो नीचे वाली लाइन है, बैक स्लैश सिंपली क्या कि ये जो लाइन है ये कंप्लीट नहीं हुई है, नीचे वाली जो लाइन है वो इसी लाइन का पार्ट है, राइट। मैंने आपको ये बताया है। आप कैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टैब्स दे सकते हैं, मैंने आपको ये बताया है। आप
न्यू लाइन कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद में अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।